अबीर बिरला हाउस तो चला गया है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि अबीर कभी भी अपने मम्मी पापा यानी कि अभिनव और अक्षरा को छोड़कर बिरला हाउस नहीं जाना चाहता था, पर यहाँ वो मजबूर हो गया और अब बिरला हाउस पहुँच तो गया है, पर वहाँ जाकर अब उसने जो कदम उठाया है उसे सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। दरअसल अबीर बिल्कुल भी इस बात को लेकर सहमत नहीं था कि वो अपने मम्मी पापा से दूर रहे, पर यहाँ वो मजबूर हो गया और अबीर अब डॉकमैन के पास चला गया है, लेकिन यहाँ लगातार उसे अपने मम्मी पापा की याद सता रही है। अबीर अभी बहुत छोटा है, 6 साल का ये नन्हा बच्चा नहीं जानता कि आखिरकार रिश्तों की ऐसी क्या उलझन थी कि उसे अपने पिता से 6 साल दूर रहना पड़ा और किसी और को अपना पिता कहना पड़ा। लेकिन अब जब अबीर पहुंच गया है बिरला हाउस तो वो अक्षरा को लगातार मिस कर रहा है, ना वो खा रहा है और ना ही वो पी रहा है। अभी हाल ही में वो बीमारी से उठा है और ऐसे में जिस तरीके का स्ट्रेस अब अबीर हैंडल कर रहा है उससे एक बार फिर से उसकी तबीयत बिगड़ी है। वो बेहोश हो चुका है और अबीर को देखकर अब अभिमन्यु के होश उड़ गए हैं। मंजरी के तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। आरोही ये बात समझ गई कि अबीर किस स्ट्रेस से गुजर रहा होगा। वो जानती है कि उसकी भी बेटी रूही कितनी छोटी है और इतने छोटे बच्चे पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस, आखिरकार इस वजह से ही अबीर की तबीयत अचानक फिर से ख़राब हुई है। अभिमन्यु उसे गोदी में उठाकर अब हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा तो है, लेकिन देखना होगा कि क्या इतने बड़े इंसिडेंट के बाद अभिमन्यु को ये बात समझ में आती है कि अबीर के लिए अगर कोई ख़ास है या अबीर के लिए अगर कोई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो वो है उसकी माँ अक्षरा। आपको क्या लगता है कि क्या अभिमन्यु अब अबीर को वापस अक्षरा के पास भेज देगा या फिर एक बार फिर से मंजरी की ज़िद के आगे चुप हो जाएगा? आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें।